इंडियन क्रिकेट टीम में एक एक स्पॉट के लिए कई दावेदार हैं और जब आप उन मौकों को नहीं भुनाएंगे तब हमेशा पछतावा होगा और जो उस मौके पर चौका जमाएगा वो बड़ा खिलाड़ी कहलाएगा। दो एग्जांपल है आज हमारे सामने, एक शुभमन गिल और दूसरा केएल राहुल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है इस वक्त देश में, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने है। अहमदाबाद में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में शुभमन गिल ने कमाल कर दिया, शानदार शतक जड़ा है उन्होंने इस टेस्ट मैच में। ये उनके करियर की छठी इंटरनेशनल सेंचुरी थी, टेस्ट मैच की दूसरी सेंचुरी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक उन्होंने जमाया। उसी सीरीज में एक और शतक निकला, फिर T20 में भी एक सेंचुरी जमाते हैं और अब टेस्ट में, यानी कि एक साल में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले जो कुछ चुनिंदा भारतीय हैं उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं शुभमन गिल। केएल राहुल लगातार फ्लॉप चले आ रहे थे, उनकी जगह पर सवाल उठ रहे थे, प्रश्न उठाया जा रहा था चयनकर्ताओं पर, टीम मैनेजमेंट पर, कि क्या आखिर केएल राहुल के पास ऐसी कौन सी काबिलियत है कि अच्छे अच्छे लायक क्रिकेटर्स को दरकिनार कर केएल राहुल को मौके दिए जा रहे हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती दो टेस्ट मैचेस में भी वो बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे, जिसके बाद इंदौर में शुभमन गिल को मौका मिला। दो पारियों को अगर वहां की छोड़ दी जाए उस टेस्ट मैच में वो खरे नहीं उतरे, लेकिन अब इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया है और अहमदाबाद टेस्ट मैच की पहली इनिंग में शानदार शतक उन्होंने जड़ा है। और शतक भी ऐसा वैसा नहीं, ऐसे हालात में आया जब टीम को उनसे जरूरत थी, क्योंकि 480 रन का बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में टॉस जीत के बनाया था और जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब भारतीय टीम 36 रन बना चुकी थी बिना किसी विकेट के, यानी 444 रन हम पीछे थे। और जब आज तीसरे दिन का खेल शुरू होता है शनिवार को तब रोहित शर्मा के साथ उन्होंने बढ़िया पारी का आगाज किया, लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गया। उसके बाद में फिर चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर टीम को एक बढ़िया साझेदारी की ओर बढ़ाया और 80 रन पर जब वो खेल रहे थे, जैसे वो 80 रन तक पहुंचे वो बहुत मुश्किल 80 रन उन्होंने बनाया। 40 से 56 रन के ओवर के बीच में ऑस्ट्रेलिया एक अलग रणनीति के साथ खेल रही थी, उनके पैर बांध दिए गए थे ऑफ साइड में, उन्हें बॉल नहीं मिल रही थी जहां पर वो चौके छक्के लगाए, तो सिंगल डबल से हुई वो संतुष्ट थे। लेकिन फिर कैमरन ग्रीन का वो ओवर आता है 56th ओवर 56वां ओवर जहां पर बैक टू बैक दो चौके लगते हैं शुभमन गिल के बल्ले से, 80 से वो 88 रन तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है उनकी पारी में, चौका लगाते हैं, फिर सेंचुरी पूरी करते हैं, हेलमेट निकालते हैं, चेहरा उनका खुशी से बिल्कुल खिला हुआ था और खुशी से वो दर्शकों का अभिवादन करते हैं। गेंद जब बाउंड्री के पार जाती है ब्रॉडकास्टर्स कैमरामैन इंडियन डगआउट की ओर कैमरा घुमाते हैं तब विराट कोहली नजर आते हैं, खड़े होकर वो तालियां बजा रहे थे, शुभमन गिल की तारीफ कर रहे थे। अब आप देखिए इंडियन क्रिकेट किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ। सुनील गावस्कर की लेगेसी सचिन तेंदुलकर के पास आई, सचिन तेंदुलकर ने उसे ट्रांसफर किया विराट कोहली को और विराट कोहली का रिप्लेसमेंट हाथ उठाकर कह रहे हैं शुभमन गिल कि मैं तैयार हूं, हर फॉर्मेट में मैं खेल सकता हूं, बार बार अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर में 2020-21 में उनके करियर का आगाज हुआ था, उसके बाद फिर वो वनडे फॉर्मेट में जम गए, T20 में बढ़िया कर रहे हैं, IPL में बढ़िया करते ही हैं, KKR की ओर से खेलते थे, पिछली बार गुजरात टाइटंस की विनिंग टीम के मेंबर थे और अब टेस्ट मैच में जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं लग रहा है कि शायद अब KL राहुल की प्लेइंग 11 में वापसी मुश्किल होगी और जो ओपनिंग स्लॉट है उसके तगड़े दावेदार शुभमन गिल बन चुके हैं। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शुभमन गिल, आपका गिल की इस पारी पर क्या कहना है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।